पांच एकड़ तालाब के बीच में फैला शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया बिहार के सासाराम में स्थित वो मकबरा जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसे विरासत में मिला है। फिलहाल बिहार को इसे विरासत में मिला है, पर अफसोस इस बात का है कि बिहार सरकार इस विरासत को संभाल नहीं पा रही और सासाराम नगर परिषद से नगर निगम हो गया। इसके बावजूद बाहर जैसे ही आप गेट पर एंट्री करते हैं, बाहर सारा का सारा कूड़ा डंप किया जा रहा है कि सासाराम देश का सबसे गंदा शहर है। और जब हम इसमें घुस रहे थे, अंदर प्रवेश कर रहे थे, तब बाहर सारा का सारा कूड़ा भी डंप किया जा रहा था। तब हमें समझ में आया कि सासाराम ऐसे ही नंबर वन पे नहीं है, सासाराम नंबर वन पर रहे इसके लिए सरकार ने पूरी कोशिश की। रोहतास जिला वो जिला है जहां हर 5 से 10 किलोमीटर पर ऐसी आपको ऐतिहासिक धरोहरें नजर आएंगी जिसपे आप गर्व महसूस कर सकते हैं। यहां माझर कुंड है, तुतला भवानी है, तलहाड़ कुंड है, शेर शाह का मकबरा है, तारा चंडी है, और भी बहुत सारी चीज़ें और जगहें हैं जिन पे आप गर्व महसूस कर सकते हैं। और रोहतास जिला एकमात्र ऐसा भी जिला है जहां सबसे ज़्यादा रमणीय स्थान है, पर्यटन स्थल है, और तलहाड़ कुंड को फिलहाल पर्यटन स्थल का दर्जा तक दे दिया गया है। कि शेर शाह सूरी कौन थे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले रुपए की शुरुआत भारत में शेर शाह सूरी ने ही कराया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज जो हमारे देश में डाक व्यवस्था आप देख रहे हैं उसका सुदृढ़ीकरण भी शेर शाह सूरी ने ही किया। और ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि काबुल से लेके बांग्लादेश तक, एक बार फिर से सुनिए, काबुल से लेके बांग्लादेश तक ग्रैंड ट्रंक रोड भी शेर शाह सूरी ने ही बनाया। और बहुत आवाज उठाने के बाद जो ये आपको तालाब दिख रहा है जो तकरीबन 5 एकड़ में फैला है, बहुत आवाज उठाने के बाद और यहाँ के स्थानीय पत्रकारों के पत्रकारिता करने के बाद इस पानी को साफ कराया गया, नहीं तो यहाँ पे गांव और घरों के लोगों का पानी भी इसमें आता है।